मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक इस सीरीज के प्राथमिक स्तर के गणित विषय के प्रकरण भिन्न का गुणा एवं भाग में आज हम लोग पहले भिन्न के गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भिन्न का गुणा शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा में हर, भिन्न बराबर होती है अंश बटा में हर। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका डी हमने लिख दिया। अब दो भिन्नों का अगर गुणा दिया गया है तो गुणा कैसे करेंगे? जैसे हमने दे दिया 7/5 गुणे 9/4, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे 7 × 9 बटा में 5 × 4, हर का हर में गुणा करेंगे 9 × 7 = 63 और 4 × 5 = 20, 63/20 हमारी भिन्न आ जाएगी। इसको हम 20 से भाग दे देंगे, 20 × 3 = 60, 3 × 3 = 20। ये मिश्र भिन्न में हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम लेते हैं 15/34 गुणे 17/3। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को अंश का हर में गुणा करेंगे अंश में और हर का हर में 34 का 3 से, 17 × 17 = 17, 17 × 34 कटने लायक था कटा दिए, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, ये बराबर हो गया 5/2, भाग दे दिए 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जब भिन्नों का गुणा करना होगा तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा किया जाता है। भिन्न के गुणा में ये बात ध्यान रखनी है कि अंश का अंश से गुणा किया जाएगा और हर का हर से गुणा किया जाएगा। अब बात करते हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग अगर हमको देना है, जैसे हमको देना है 5/7 / 1/2, तो भाग का नियम यह है कि भिन्न पलट जाएगी। ये क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 5/7, अब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, भिन्न 1/2 का हो जाएगा 2/1। अब फिर अंश का अंश में हम गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 और हर का हर में गुणा 7 × 1, ये 5 × 2 = 10, अब बटा में 7 × 7, 10/7 कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 × 7 1 × 3/7। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भिन्न का भाग दे सकते। भाग में हमको जो बाद वाली भिन्न है वो पलट जाएगी और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, ये बात हमको ध्यान रखनी। जैसे 15/18 / 5/36, तो ये क्या होगा, 15/18 × 36/5, ये बराबर हो जाएगा 15 × 36/18 × 5, कटा देंगे 5 × 5 यानी 15, 18 × 18 = 36, तो ये बराबर 3 × 6 = 1 = 6। तो इसका हमारा भागफल आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार भाग की क्रिया करते हैं। भाग की क्रिया में ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाग का चिन्ह जो है गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज, भिन्न जो है, भिन्न का अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और भाग की प्रक्रिया हो जाएगी। भिन्नों की तुलना करनी हो तो जब हर समान हो, हर समान है कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर दिए गए हैं भिन्न में वो सारे के सारे आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब हर बराबर होगा तब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हर बराबर करके लिख दे रहे हैं 2/18 / 3/18 / 1/18 / 15/18। अब इसमें कह दिया जाए सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो जब हर समान है, मतलब कि हर माने डिनोमिनेटर समान है, नीचे लिखी गई संख्या हर एक में 18 18 दी गई है, तो जब हर समान होंगे तो जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू अधिक होगी यानी जिसके अंश का मान अधिक होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी भिन्न में हर समान हो
मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखी गई वैल्यू है वो सारी की सारी आपस में बराबर है, तो जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू सर्वाधिक होगी तो वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 15/18, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 15/18। ये सबसे बड़ी भिन्न है, इसमें 2/18, 3/18, 1/18 और 15/18 में सबसे बड़ी भिन्न 15/18 हो गई। इससे छोटी कौन सी हो गई, 3/18, और उससे छोटी कौन सी हो गई, 2/18, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 1/18। तो हम इस प्रकार जब हर समान होता है तो अंश को देखकर, अगर सभी भिन्नों के हर समान है तो जिसके अंश का मान अधिकतम होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, जब अंश समान हो जाए, जैसे हमने लिखा 3/5, 3/7, 3/4 और हमने लिखा 3/9। अब इसमें क्या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें अंश समान हो गया है, सारे के अंश समान है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, समान है। ऊपर अंश लिखा रहता है भिन्न में और नीचे हर, ये बात ध्यान रखिए, हर नीचे रहेगा उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे और इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। अगर अंश समान है, इससे पहले हमने बताया था कि डिनोमिनेटर समान थे, अब कौन सा है, अंश समान है। अंश समान होने की अवस्था में क्या होगा, जब अंश समान होगा तो जिसके हर की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम होगी वह भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसकी, डिनोमिनेटर की, यहाँ 4 है, यानी 3/4 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो गई। उससे छोटी कौन सी हो गई, उससे कम अधिक वाली वैल्यू जो होगी 3/5, और उससे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, छोटी भिन्न 3/7, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 3/9। तो सबसे बड़ी भिन्न कब होगी, जब अंश समान होगा तो जिसके हर का मान सबसे कम होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब तीसरी अवस्था आती है तुलना करने में कि जब हर असमान हो, असमान हो मतलब जैसे हमने लिखा 1/2 कामा 3/4 कामा 2/3। अब इसमें कहा जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हर को समान करेंगे। हर समान करने के लिए 2, 4, 3 का लघुत्तम लेंगे, 2, 3, 4 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले हम इसको 2 से भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 3 × 2, फिर 2 × 1 = 3, 1 फिर 3 × 1 = 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पे लघुत्तम आ गया, 2 × 2 = 4 थे 12, 12 लघुत्तम प्राप्त हो गया। 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया। 3/4 को 4 से भाग देंगे, 4 थे 12, 3 × 3 = 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से भाग 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8। अब इसमें हम देखते हैं, यानी कि 1/2 की जगह लिखा है 6/12, 3/4 की जगह लिखा है 9/12, और 2/3 की जगह लिखा है 8/12। अब फिर वही बात हो गई कि हर समान हो गए तीनों के, अब भिन्न को हमने दूसरे ढंग से लिख दिया, 6/12 1/2 की जगह, 9/12 हमने लिख दिया 3/4 की जगह, और 2/3 की जगह हमने लिख दिया 8/12। अब हर समान हो गए तो वही पुराना नियम फिर से लग जाएगा यहाँ पे कि जिसके अंश का मान अधिक होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई 3/4, क्योंकि 9/12 उसकी जगह लिखा गया। उससे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 2/3, क्योंकि 8/12 उसकी जगह लिखा, और सबसे छोटी भिन्न हो गई 1/2। तो हम इस प्रकार भिन्न की तुलना कर सकते हैं, जब हर असमान होते हैं तो असमान होने की अवस्था में हम पहले हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त में दी गई भिन्न के हर से भाग दिया जाएगा, भाग जितनी बार जाएगा उसका अंश से गुणा किया जाएगा और वहाँ पे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का भाग दिया 6 बार गया, और 6 का फिर 1 से गुणा किए 6 लिख दिए, 4 का भाग दिए 12 में, 4 × 12 = 12, 3 बार गया, 3 का 3 से गुणा किए 9 लिख दिए, फिर हमने 3 का भाग 12 में दिया 4 बार गया, और 4 का 2 से गुणा किए 4 × 2 = 8 लिख दिए। तो हम इस तरह क्या करके लिख कर, और हम फिर देखेंगे कि हर समान हो जाने पर जिसके अंश का मान अधिक होता है वह भिन्न बड़ी होती है। वर्कशीट आपको उपलब्ध करा दी गई है, वर्कशीट के सवाल लगा लीजिएगा,
जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पर आप वीडियो देखकर उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।